गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज मैं फिर से एक वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग जो केस कर रहे थे, यानी एसटीटी वर्किंग कमेटी के द्वारा जो हाई कोर्ट में फ्रेश केस फाइल किया जा रहा था, उसका आज हम लोग को ई फाइलिंग नंबर मिल चुका है। और ये ई फाइलिंग नंबर जस्ट एक समझिए टोकन नंबर की तरह ही है। इसके बाद केस में सारा जो डॉक्यूमेंट जाता है वहां पे हाई कोर्ट में चेक होने के बाद हम लोग को जो केस का नंबर होगा वो नंबर हम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। और चूंकि हम लोगों ने केस को अर्जेंट मेंशनिंग कराया है जल्द से जल्द सुनवाई कराने के लिए, तो इट्स मोर प्रोबेबली हम लोग सोच रहे हैं कि अब जितना जल्दी सुनवाई हो जाए, उम्मीद तो करते हैं कि जून में जितना जल्दी हो जाए, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक जब भी हो जाए। कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है, आप लोग को ही पता है, लेकिन अपना पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। दूसरा पॉइंट मैं ये देना चाहता हूं आप लोगों को कि हम लोग का जो केस हुआ है एसटीटी वर्किंग कमेटी के द्वारा, उसमें सारे विषयों और सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई, कुछ लोग भ्रम ये फैला रहे हैं कि हाँ पहला सिटिंग दूसरा सिटिंग या फिर ये सब्जेक्ट को बचाना है, उस सब्जेक्ट को बचाना है, सोशल को बचाना है, साइंस को बचाना है, मैथ को बचाना है। एक बात मैं उन लोगों के लिए बस एक ही संदेश देना चाहूंगा कि ना सोशल को बचाना है ना साइंस को बचाना है, हमें एसटीटी 2019 का जो एग्जाम है उसके पूरे रिजल्ट को बचाना है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से हो। ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि सोशल बचाना है, साइंस बचाना है, कंप्यूटर बचाना है, मैथ बचाना है, तो ये भ्रम ना पालिए। सोशल और साइंस और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सब एग्जाम के ही पार्ट हैं। इसलिए हम लोग का जो फोकस है एसटीटी वर्किंग कमेटी का, वो पूरे एग्जाम के रिजल्ट को लेकर है कि एग्जाम का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। और इसके लिए हम लोग देख ही रहे हैं, युद्ध स्तर पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आप लोग खुद सोचिए कि 22 तारीख को हम लोग इंटरवेनर में खड़ा हुए थे, ऑब्वियसली हम लोग हार गए हैं इंटरवेनर में, लेकिन आज आपका 29 तारीख है और 29 तारीख तक हम लोगों का टोकन नंबर या ई फाइलिंग नंबर मिल चुका है और बहुत जल्द हम लोग को केस नंबर भी मिल जाएगा जो आप लोग से हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन मैं एक अनुरोध फिर से करना चाह रहा हूं कि जैसा आप लोग जानते हैं एसटीटी वर्किंग कमेटी जो है वो वाईवी गिरी सर को हायर करना चाहती है बहस करने के लिए। हम लोग का केस जो है फाइलिंग अरुण सर ही किए हैं, जो पहले किए थे हम लोग का इंटरवेनर वाला केस लड़े थे वही किए हुए हैं, लेकिन इस बार भी फाइलिंग वही किए हुए हैं, लेकिन वाईवी गिरी सर को हम लोग बहस में चाहते हैं हायर करने के लिए कि जितना बहस हो हर बहस में उनको बुलाया जाए। और बहस उनका थोड़ा सा आप लोग समझ ही रहे हैं, उनको बहस में बुलाने का फी कितना है, पूरा केस का ड्राफ्टिंग और पूरा केस करवाने में तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग चाहते हैं कि बहस में गिरी सर को लाया जाए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं एसटीटी 2019 को बचाने का जो मुहिम चला रहे हैं, वो उन लोगों से मेरा आग्रह है कि वो सब लोग मिलकर हम लोग की मदद करें, और आप लोग की मदद से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं जीत हमारी सुनिश्चित है, बिहार सरकार को मुंह तोड़ जवाब हाईकोर्ट में दिया जाएगा, कहीं तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभी तो हम लोग कोर्ट के द्वारा देख रहे हैं, चूंकि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन टूटने के बाद एग्जीक्यूटिव स्तर पे भी जितना हो सकता है, यानी मंत्रियों से मिलना, अधिकारियों से मिलना, जो भी उनको ज्ञापन देना हो, विधायक से, एमपी से, ये राज्यपाल महोदय से भी मिलने का प्रयास किया जाएगा, जो भी होगा, यानी एग्जीक्यूटिव स्तर से भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, दबाव बनाएंगे सारे जनप्रतिनिधियों पे। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने न्यायालय का विकल्प भी खुला रखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने आज अपना केस का जो है वो ई फाइलिंग नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है। अंततः मैं आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोग की मदद करिए। और मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोग के पास होगा ही और ग्रुप में चल भी रहा है बहुत सारे, तो जितना ज्यादा से ज्यादा मदद करिए, हम लोग आपके साथ है और एसटीटी 2019 को बचाना ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।